गुजरात चुनाव के बीच राहुल गांधी को पार्टी के भीतर से कड़ी चुनौती मिली है। इस बीच चुनाव से पहले ट्विटर पर फॉलोअर्स बढ़ाने को लेकर इंडिया न्यूज एक बड़ा खुलासा कर रहा है। इंडिया न्यूज संवाददाता पुलकित नागर ने पड़ताल की है तो पाया है कि फर्जी अकाउंट के जरिए नेताओं के फॉलोअर्स बढ़ाने का खेल धड़ल्ले से चल रहा है। इसका मकसद ट्विटर पर अपने मुद्दों को ट्रेंड कराना होता है। अगर फेक आईडी से बार बार ट्वीट किया जाए तो कोई मुद्दा ट्रेंड करने लगता है। इस काम में अब कई कंपनियां भी शामिल हो गई हैं जो पैसे लेकर फर्जी ट्वीट और लाइक्स कराने का काम करती हैं। गुजरात में चुनाव है और सोशल मीडिया पर एक अलग जंग चल रही है। सभी अपने मुद्दों को बड़ा बनाना चाहते हैं और इस लड़ाई में कोई भी पीछे नहीं है। वो आप देखिए, मेरे पीछे राहुल गांधी का ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट खुला हुआ है। अब इसे समझ लीजिए कि इसमें कितनी फेक आईडी के जरिए इसे लगातार रीट्वीट किया जाता है या फिर इसे बढ़ाया जाता है या फॉलोअर्स बढ़ाए जाते हैं, ये समझ लीजिए। जी पुलकित, जैसे कि आप, ये राहुल गांधी की ये ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है जो वेरीफाइड है, ये भी राहुल गांधी का ये ट्विटर अकाउंट है विच इज नॉट वेरीफाइड। सो देर कैन बी लॉट ऑफ ट्विटर अकाउंट, बहुत सारे ट्विटर अकाउंट हो सकते हैं। ये वेरीफाइड है, इसका मतलब ये जेन्युइन ट्विटर अकाउंट है राहुल गांधी का। ये फर्क और ये फर्क, हाँ, दोनों में ये फर्क है। अब आप देखिए पुलकित, की राहुल गांधी के 4.59 मिलियन फॉलोअर्स हैं। आप समझ लीजिए बहुत सारे फॉलोअर्स राहुल गांधी के पास हैं जो उनकी बात को सुनते हैं फेसबुक यानी कि सोशल मीडिया के जरिए। और ये भी समझना बहुत जरूरी है कि क्या वाकई इतने लोग उस मैसेज को पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। पुलकित देखिए, अभी 4.59 मिलियन फॉलोअर्स राहुल गांधी के हैं और पिछले 6 महीना में सोशल मीडिया काफी पावरफुल हो गया है कांग्रेस के कांग्रेस में। अभी आप देखिए कि अगर ये जो फॉलोअर्स हैं, कोई भी फॉलोअर्स आप दे लीजिए, राज सोनी, ये राहुल गांधी के फॉलोअर्स हैं। मैं इनका प्रोफाइल, ये अगर मैं इनका प्रोफाइल देखता हूं, जो फॉलोअर्स हैं, ये नवंबर 2017 को उन्होंने ज्वाइन किया और ये हैज नॉट ट्वीटेड। इसका मतलब ये जो ट्विटर प्रोफाइल है ये एक्टिव ही नहीं है, मगर ये राहुल गांधी का फॉलोअर्स है, इसका मतलब ये फेक है।